हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर। आई नो ऑल ऑफ यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यू ऑल आर ड्राइंग एंड पेंटिंग इन कंप्यूटर, यू ऑल आर प्लेइंग गेम्स आल्सो। सो ऑल ऑफ यू वुड लव टू वर्क ऑन कंप्यूटर, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर। ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज योर कंप्यूटर बुक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, दैट इज कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। सी, दिस इज द चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। हाई फ्रेंड्स, आई होप यू रिमेंबर दिस स्मार्ट मशीन। आई नो ऑल ऑफ यू नो द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज मॉनिटर, दिस इज सीपीयू, दिस इज कीबोर्ड एंड दिस वन इज माउस। ऑल ऑफ यू हैड सीन द कंप्यूटर एंड यू रिमेंबर द पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर। नाउ अ मशीन इज अ मैन मेड थिंग विच मेक्स अवर वर्क इजी। मशीन जो है वो किसी भी तरह का मशीन हो तो वो हमारा काम बहुत आसान कर देता है। और मशीन वो दैट इज अ मेन मेड थिंग, मतलब वो मशीन जो भी सारे मशीन है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और मिक्सर, वॉट एवर आर द मशीन्स आर दैट आर मैन मेड थिंग, मतलब कि वो हम लोगों ने, मतलब मनुष्य ने बनाए हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो सके। अ कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल मशीन, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर भी एक तरह का मशीन ही है जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, और वो चालू करने के लिए, उसमें काम करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि वो बिजली से चलता है इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है। अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क वेल, यस, जस्ट लाइक मी। हियर रोबोट इज सेइंग दैट कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक मी, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कंप्यूटर रोबोट ऑल्सो वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दैट कंप्यूटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, अ कंप्यूटर हेल्प्स अस परफॉर्म मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून, सॉल्विंग सम्स, ड्रॉइंग पिक्चर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स एंड प्लेइंग गेम्स। अदर मशीन्स अलाउ अस टू डू ओनली अ फ्यू ऑफ दिस थिंग्स, एंड ऑल ऑफ यू नो एंड ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट दिस दैट इन कंप्यूटर वी कैन डू सो मेनी एक्टिविटीज लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज और कार्टून, ड्रॉइंग पिक्चर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स, एंड द मोस्ट फेवरेबल थिंग दैट यू लाइक दैट प्लेइंग गेम्स। सो मेनी एक्टिविटीज वी कैन डू इन कंप्यूटर, अदर मशीन्स allow us to do a very few thing to do. Now here we will see computers and humans. Computers are smart machines. They can do many things much better than we humans can. Computer एक बहुत ही smart machine है और वो हमसे कई ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, और वो अभी हम देखेंगे कि वो कौन से काम हमसे ज्यादा अच्छे से कर सकता है। लुक एट दैट, द कंप्यूटर फिनिश द कैलकुलेशन इवन बिफोर रवि कुड स्टार्ट। हियर यू कैन सी सो मेनी नंबर्स एंड दिस मच नंबर्स कैलकुलेशन कंप्यूटर कैन डू वेरी फास्ट। इवन रवि हैड not completed the work, not even completed, he had just started. Before that, computer had given the answer.
सो इट मीन्स कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, ह्यूमंस कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज कंप्यूटर। कंप्यूटर हमसे कई ज्यादा स्पीड में काम कर सकता है, हम कंप्यूटर की तरह स्पीड में काम नहीं कर सकते। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी विल सी, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स, ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर नेवर डू एनी मिस्टेक एंड वी ह्यूमंस आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर राइटिंग इन द नोटबुक, यू आर यूजिंग योर इरेजर सो मेनी टाइम्स बिकॉज यू आर डूइंग मिस्टेक एंड यू आर रबिंग दैट वॉट एवर यू हैड रिटन। इट मीन्स वी आर मेकिंग सो मच मिस्टेक्स बट कंप्यूटर डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग, ह्यूमंस गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, वो चाहे कितना भी समय काम करे पर फिर भी वो कभी भी थकता नहीं है। इफ द कंप्यूटर इज ऑन फॉर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। बट वी ऑल आर ह्यूमंस गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। हम पूरा दिन काम करने के बाद रात को हम सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पूरा दिन बहुत सारा काम किया है, तो फिर हम थक जाते हैं और रात को सो जाते हैं। बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, पर कंप्यूटर कभी सोता नहीं है, वो कंटिन्यूअस काफी लंबे समय तक काम कर सकता है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर्स हैव अ वेरी गुड मेमोरी, दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देम। ह्यूमंस कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर मेमोरीज। कंप्यूटर की याददाश्त बहुत ही अच्छी होती है, उसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है तो वो कभी भी भूलता नहीं है। बट वी ह्यूमंस कैन फॉरगेट इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी हैड स्टोर्ड इन अर मेमोरीज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, पर कंप्यूटर कभी भी भूलता नहीं है। कंप्यूटर्स नेवर गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ह्यूमंस इजीली गेट बोर्ड विद द रिपीटेटिव टास्क। कंप्यूटर इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विदाउट एनी बोर्डम, मतलब कि कंप्यूटर कुछ भी काम करो, कोई भी काम उसको रिपीटेडली आप बार बार एक ही काम करने को बोलोगे तो भी कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है। बट वी ह्यूमंस इजीली गेट बोर्ड विथ रिपीटेटिव टास्क, मतलब अगर कोई काम हमें बार बार वही काम सौंपा जाता है, अगर बार बार हमें कोई काम करना पड़ता है तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी होमवर्क इज देयर इन मैथ्स और ईवीएस और इंग्लिश, तो आफ्टर राइटिंग अ पेज यू विल टेल टू योर मदर, मम्मा नाउ आई एम टायर्ड, मम्मा आई वॉन्ट टू गो फॉर प्लेइंग, और आई डोंट वॉन्ट टू डू, आई एम गेटिंग बोर्ड। जब भी आपको होमवर्क के लिए बिठाया जाता है तब एक पेज भी मुश्किल से लिखते हो और फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा को बोलते हो, मम्मा मैं पानी पीने जाऊँ, मम्मा मैं खेलने जाऊँ, मम्मा मुझे बोर हो रहा है, मम्मा मुझे कंटाला आ रहा है। यू आर सेइंग लाइक दिस, नो? बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस इजिली गेट बोर्ड विथ रिपीटिटिव टास्क, क्योंकि जो चीजें हमें बार बार करनी पड़ती है तो हम उससे बोर हो जाते हैं, पर कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कंप्यूटर दैट वी हैड लर्न। नाउ वी विल सी सम अनदर थिंग। कंप्यूटर सीम टू आउटर आउट स्मार्ट ह्यूमन, बट इन मैनी वेज वी ह्यूमन्स आर मच स्मार्टर देन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर हमसे यानी कि ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम ह्यूमन्स ज्यादा स्मार्ट है, तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें ह्यूमन्स यानी कि हम लोग ज्यादा स्मार्ट है। सो दैट वी विल सी। फर्स्ट वन, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक और डू एनी थिंग ऑन देयर ओन, दे डू ओनली वॉट वी ह्यूमन्स कमांड देम टू डू।
वी ह्यूमंस थिंक एंड एक्ट ऑन आवर ओन। कंप्यूटर कभी भी अपने आप कुछ भी सोच नहीं सकता है, वो वही चीजें कर सकता है जो हम लोग यानी कि ह्यूमंस उसको उनको जो कमांड देते हैं, जो उसको आदेश देते हैं, उसके हिसाब से ही उसको काम करना पड़ता है। वो कभी हमारी तरह सोच के कुछ काम नहीं कर सकता है। हम जैसे कि सोचते हैं कि कल हम मूवी जाएंगे, या तो कल हम गार्डन में जाएंगे, या आप सोचते हो कि कल मैं स्कूल से जल्दी छूट जाऊंगा तो मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर थिंकिंग, बट कंप्यूटर नेवर कैन थिंक एनीथिंग। हम जो बोलते हैं वही काम वो कर सकता है, उसकी वो खुद अपने लिए कुछ नहीं सोच सकता है। ओके, एंड देन सेकेंड थिंग, कंप्यूटर्स डू नॉट हैव फीलिंग्स। दे आर नेवर सैड, हैप्पी और एंग्री। ह्यूमंस हैव फीलिंग्स, वी समटाइम्स फील हैप्पी एंड समटाइम्स सैड। नाउ सी, वी आर थिंकिंग एंड वी हैव फीलिंग्स ऑल्सो। फीलिंग्स मतलब आपको कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी आप बहुत खुश हो जाते हो, या तो कभी आप उदास हो जाते हो। अगर आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उससे कहीं ज्यादा अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो। फिर अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते तो आपको गुस्सा भी आता है ना? तो दीज आर द फीलिंग्स, बट कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती है। क्या कभी आपने देखा है कि कंप्यूटर आपके ऊपर गुस्सा करता है, या कंप्यूटर आपकी बातों से बहुत खुश हो गया है तो हंसता है? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? नो, बिकॉज कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स, दैट इज वाई दे आर नेवर सैड, हैप्पी और एंग्री। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड लर्न अबाउट कंप्यूटर, एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, पेज नंबर 7, 8 एंड 9। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज रीड दैट पेजेस सो दैट यू कैन हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कंप्यूटर, यू कैन आस्क मी। ओके, सो ऑल ऑफ यू कीप रीडिंग। ओके, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।